introduction of the letter. Okay, we have started the letter. My dear Uncle Prem, comma, you never forget my birthday. Full stop. Every year you send me something special. Full stop. Last evening when I saw the parcel kept for me outside the door, I knew it was from you. तो मुझे पता था वो पार्सल किसके तरफ से है, आपके तरफ से है। फुल नेम लिखना आपका गलत चलेगा। नहीं, शॉर्टकट में लिखना है। Then write from this next line. Don't give any line. It is certainly my most
position. Thank you.
adorn this line. Your loving. मैम टेक के पास एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है. थर्ड पैराग्राफ है वो. NEVHEW. अगर बॉय है तो वो नेफ्यू लिखेगा और अगर गर्ल है तो वो क्या लिखेगी? मीस NIECE. समझ में आया? यहाँ पर नेफ्यू के जगह पर अगर गर्ल है तो वो लिखेंगे मीस और अगर बॉय है तो वो लिखेंगे नेफ्यू. एंड राइट योर नेम ओवर हियर. यानी अंकल आंटी के बेटे होंगे अगर बेटा होगा तो नेफ्यू और बेटी होंगे तो नाइस है ना. हाँ तो देखी नाइस में नीस नीस बोलते हैं. मैं तो मुझे अपना मैडम बेटी भी आपने मैं तो अपने नाम ही नेफ्यू. नेफ्यू मतलब तुम तुम्हारे अंकल आंटी के क्या लगते हो? वो नेफ्यू. अगर बॉय है तो वो लिखेगा नेफ्यू. इंग्लिश में तो नेफ्यू बोलते हैं और अगर गर्ल है तो वो लिखेगी नीस. नीस समझ में आया? अरे बाबा तुम्हारा खुद का नाम लिखो. लेटर तुम लिख रहे हो तो तुम्हारा ही नाम लिखना पड़ेगा. नाम हो गया. योर नेगर इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. मैडम फुल नेम लिखना है. ओनली योर शॉर्ट कट नेम. जबजोत सिंह. यस जबजोत लिखो से. सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर लेटर. अशिंक जी मैंने मेरा दैट इज द फॉर्मल लेटर. नाउ सी हाउ द मार्क्स आर डिवाइडेड. हर लेटर में हर स्टेप को मार्क्स है तो मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे है वो मैं बता रही हूँ. नाउ सी शुरू में तुमने जो एड्रेस लिखा है और सिटी का नाम लिखा है उसको टू मार्क्स है. उसको क्या बोलते हैं? हेडिंग. क्या बोलते हैं उसको? हेडिंग. तो हेडिंग के लिए टू मार्क्स है. अगर तुमने नहीं लिखा तो इसमें एड्रेस आता है. क्या आता है? एड्रेस मोटली. उसको टू मार्क्स है. डेट के लिए वन मार्क है. और थ्री मार्क्स की तैयारी हो गई. और जो सैल्यूटेशन है माय डियर अंकल फ्रेंड जो नाम लिखा है तुमने उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन. क्या बोलते हैं उसको? हेडिंग के सैल्यूटेशन दैट इज माय डियर अंकल व्हाटएवर. सब्सक्रिप्शन. क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन.
बॉडी जो है वो सेकंड पैराग्राफ और ये जो है कंटिन्यूअस थर्ड पैराग्राफ। समझ में आया? तो ईच एंड एवरी पैराग्राफ काउंट्स। ओके, दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू। नाउ इफ यू आर मिसिंग एनी स्टेप योर मार्क्स विल बी कट हियर। So is this clear to you? How you have to write down the letter? It is also given in your textbook page number 131. उसमें भी देखो कैसे systematically दिया है। मैं पूछ के लिए सही का तो कुछ चलेगा। नहीं दिया। Yes. The same letter I have given you here. वैसे के वैसा ही है पूरा, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। ये वहां पर कॉलेज के जगह आपने क्या लिखा? स्कूल डेज लिखा है। सो इज दिस क्लियर टू यू? यस मैम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर होल पोर्शन। ओके, नाउ द थिंग इज रिमेनिंग, ओनली रिमेनिंग इज दैट योर स्टडीज। Only thing is required, your studies. Any problem, any difficulty? No. Comprehension, we have finished today letter also. That is informal letter. And essay I have sent you in classroom app. You have to copy it from there. So I would like to stop here. Yes. So is this clear to you? So I would like to stop here.